इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा प्रबंध समिति। राजस्थान प्रांत की मरु वृंदावन नगरी सीकर से 18 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में अपनी भव्यता एवं ऐतिहासिकता को संजोए हुए विद्यमान है श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा। वीर निर्वाण संवत 1674 में निर्मित हुए इस प्राचीन अतिशय क्षेत्र के भव्य मंदिरों में मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान एवं तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ भगवान, पद्मासन मुद्रा वाली अतिशयकारी प्रतिमाओं के साथ ही भगवान शांतिनाथ एवं सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं मनोहारी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। अनगिनत खम्बों वाले मंदिर के नाम से विख्यात इस तीर्थ स्थल पर रात्रि में देवताओं का आगमन होता है, जिनके नूपुरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। चित्त को विस्मय कर देने वाली ऐसी ही कई किंवदंतियां और चमत्कार इस तीर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। इसी कारण से यहां आसपास ही नहीं अपितु दूर दराज के क्षेत्रों से प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और प्रभु का दर्शन वंदन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तीर्थ पर दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए आधुनिक सुविधा युक्त कमरे एवं हॉल बने हुए हैं। इसके साथ ही तीर्थ पर भोजनशाला भी संचालित है। सीकर के अतिरिक्त गोरिया यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड है, जहाँ से क्षेत्र के लिए हर समय बस की व्यवस्था उपलब्ध रहती है। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ एक बार यहाँ अवश्य आएं और इस प्राचीन तीर्थ में विराजमान जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शनों के साथ ही अतिशयकारी 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान के प्रतिदिन होने वाले अभिषेक शांति धारा में सहभागिता कर अपने पुण्यों में वृद्धि करें। शांति धारा की नछावर राशि। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें समीपवर्ती दर्शनीय स्थल। रेवासा हमें तो सदा खंडहर ही मिले, हमें तो राजस्थान में सदा खंडहर ही मिले हैं, लेकिन आचार्य श्री के माध्यम से मैंने हर खंडहर को इंद्रप्रस्थ बनाने का प्रयास किया है। खांडप्रस्थ मिला था पांडवों को और खांडप्रस्थ से क्या बन गया वो, और इंद्रप्रस्थ ऐसा बना हस्तनापुर आज कुछ भी नहीं है, हस्तनापुर आज कुछ भी नहीं है, एक जिला भी नहीं है, और खांडप्रस्थ से जो इंद्रप्रस्थ बना आज वो देश की राजधानी है जिसे दिल्ली कहते हैं। शास्त्र को देख रहा था, उसमें एक छेपा लगा हुआ था, छेपा में लिखा था, एक पंपलेट था कि यहाँ पर रेवासा के चांदी की रस की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मैंने कि रेवासा में चांदी का रथ, वहाँ तो पीतल के ही रथ नहीं है, कुछ है ही नहीं। बस उस पंपलेट ने मेरी रुचि जगाई और मैं भगवान को खोजने नहीं गया था रेवासा, वो चांदी का रथ खोजने गया था। और चांदी का रथ खोजते खोजते चांदी का रथ भी मिला, साथ में महा अतिशयकारी सुमतनाथ भगवान। ओम भ्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं चीं चीं त्रां त्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोते भगवते श्रीमते पवित्रजनाभिषेकमिति स्वाहा। ओम भ्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्रम द्रम द्रीम द्रीम
द्रवैं द्रवैं नमोते भगवती श्रीमते ओं ब्रीं कौम पापम खंडे खंडे जय जय द पचवाचे बचे ओं नमो अरम झम झीं हम समय वस छाम छीं छुम छे झम चाचीं राम ह्रीं रुम रे रम नीं द्रम दीं द्रवै द्रवै नमोते भगवती श्रीमते ठटस्माकं परम पूज्याचार्य भवंत समय सागर जी महाराज ससंग शीघ्र स्वास लभेतु परम पूज्य निध्यापक शमन सुधा सागर जी महाराज ससंग शीघ्र स्वास लभेतु चतुर्वे संगानाम शीघ्र स्वास लभेतु शांति रखता परिवार पुण्य अर्जन परिवार सावक श्रेष्ठी वार्षिक शांति रखता परिवार श्रीमती प्रेम देवी जी मातेश्वरी जी मनोज जी सीमा जी सीवी जी कनिष्का जी कृतिक जी बचपरी वासी कर श्रीमती देवी महावीर प्रसाद जी मनोज जी गणमाला देवी महेश जी अलका देवी मनीष जी ज्योति देवी शुभम जी निधि देवी सिद्धार्थ जी कोमल देवी जी निशा जी जितका जी समस्त थोड़ा परिवार सीकर बिंगलो श्रीमान स्वर्गीय नानक राम जी तीजा देवी जी इंद्रचंद जी माणकचंद जी अनुभव जी अभिनव जी सेठी परिवार सीकर श्रीमन पूर्णमल जी पना देवी पुत्र पुत्र वधु अजीत जी सुनिता जी अजीत जी सुनिता जी पौत्र युगान्त जी अक्षिता जी जयपुरिया सीकर शेष श्रीमान उत्तम कुमार जी सरोज देवी जी लोकेश जी निधि जी तपेश जी प्रीति जी चिरायु जी देवी जी रजत जी समस्त पांडे परिवार मालवीय नगर जयपुर रिद्धिम राजकटारिया से श्रीमान जीवनलाल जी पुत्र पुत्र वधु सुशील जी रानी जी सुनील जी पिंकी जी पौत्र पुत्र वधु अक्षय जी अर्चिता जी सक्षम विस्मिता जी समस्त बरजात परिवार सीकर राजस्थान मासिक शांतिगत परिवार साक्षर श्रीमती प्रभा देवी जी गोदा मनीष जी गोदा सपना जी गोदा गोदा परिवार गोदा स्टेट इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमान पारसमल जी सरोज कुमार जी सुरेश कुमार जी नरेश कुमार जी सीमा जी आदित्य जी जैन परिवार सुजानगढ़ प्रतिदिन शांतिगत परिवार साक्षर श्रीमान गोपाल जी अजीत जी दीपांक जी पहाड़िया परिवार जयपुर से श्रीमान विजय कुमार जी मंजू देवी जी अविनाश जी कीर्ति जी लक्ष्य जी अक्षिता जी समस्त छाबड़ा परिवार गुवाहाटी से श्रीमान विनय कुमार जी शकुंतला देवी जी महावीर कुमार जी नीरू कुमार जी एकलव्य जी हिमांक जी जिन परिवार दिल्ली वाले उपस्थित संस्था विजन देखने वाले सुनने वाले अनुमोदन करने वाले सकल दिगमन समझ भारतवर्षीय सकल दिगमन समझ भविष्य नवीन संपूर्ण योजना सानंद संभ्रातम शिरस्तु वृद्धिस्तु तुष्यस्तु पुष्यस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एम अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणं श्रीमद् भगवद् सर्वज्ञ परमेश्वर नमः श्री शांति भट्टारक पद्म सदम शिवलग्नस्तु स्वधर्म स्वशिष्य वगवसुंतरम ओम विश्वाध्याय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विष्णुं सर्वज्ञ परम मंगलम दिया यहां मुझे सदम गायेशु यहां मुझे दिन प्रशंतु नमः यह सुखम तिश्लोकेशु व्याधि निवर्जन मृतम अभ्यम क्षेम आरोग्यम सस्वित श्री शांतिरस्तु तास्तु शिवमस्तु तास्तु जयोस्तु तदास्तु इतम आरोग्यमस्तु तास्तु तो शिरस्तु तास्तु पुष्टिरस्तु दास्तु समृद्धिरस्तु दास्तु कल्याणमस्तु दास्तु सुखमस्तु दास्तु अभिवृद्धिस्तु दीर्घायुस्तु दास्तु कुलवंतस्तु संतरम शिवलायुस्तु दास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम अस्यासा अनाथ विद्ये नमन्तं नमः सर्व शांतिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम अस्यासा धयन्तं नमः सर्व शांतिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम अस्यासा अनाथ विद्ये नमन्तं नमः सर्व शांतिं कुरु स्वाहा आयु वल्ली विलासं सगतगतलपं धीरं वीनं सेवन्तकृतिं सिद्धिं रद्धिं समृद्धिं प्रजाप्रदं कान्तिं शांतिं समाधिं विग्रहचक्तमं उत्तमा शांतिधारा 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 संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतेन सामान्यतपोधनानं देशश्चिरास्य पुरस्य राज्ञं करोतु शांति भगवच्छिनिन्द्रम् ओम ब्रीम अष्टप्रात्य मध्ये छत्रत्रयम् स्थापयामि ओम ब्रीम अष्टप्रात्य मध्ये चब्रद्वयम् स्थापयामि ओम ब्रीम शिवशिकान्ते शांति धर्म पंचे विश्वादि महावेन्द्रम चतुर्विंशति कर्म अनर्प्रप्तये अर्घं निर्भमति स्वाहा ओम ब्रीम श्री भूग प्राप्त अतिशिकारी देवासा वाली बाबा सद्बुद्धि प्रदायक संकट मोचक श्री सुमति नाथ जिनेन्द्राय साक्षात विराजमान तिनके चरण में जल विलादि अर्घं निर्भमति स्वाहा स्वामी जय सुमति नाथ देवा करूं तुम्हारी आरत स्वामी मेटो अग मेरा ओम जय सुमति नाथ देवा। और हमने यहाँ पे आके प्रक्षाल पूजा और शांति धारा की है और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा है और सबसे आशा करते हैं आप लोग भी यहाँ पर आइए सीकर में दिगंबर जैन मंदिर रेवासा। मैं सीकर से हूँ और हर महीने यहाँ पे आती हूँ। सुमतिनाथ भगवान का बहुत ज़्यादा अतिशय है, यहाँ जो मन से मनोकामना करके आता है वो जरूर पूरी होती है। सभी से निवेदन है कि वो एक बार रेवासा में दर्शन करने के लिए जरूर आए। जैन मंदिर रेवासा सीकर मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आया, मेरे जो हैं मोनू जैन भैया और दूसरे भैया जैन भैया, इन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ प्रसाद वगैरह जो भी है बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। एक बारी सभी मैं सब भक्त ये एक बारी जरूर त्रिवेंद्र जैन मंदिर रेवासा में आपसे अनुरोध है जरूर दर्शन के लिए आए। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा प्रबंध समिति।